मुंगेर महोत्सव सह स्थापना दिवस समारोह का हुआ उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज और मैं हूं लाल रंजन। मुंगेर के पोलो ग्राउंड में 3 दिवसीय मुंगेर महोत्सव सह स्थापना दिवस का उद्घाटन सोमवार को डीएम नवीन कुमार, एसपी जे जलारेड्डी, नगर आयुक्त निखिल राज निपनेकर, सदर एसडीओ यतेंद्र नाथ पाल एवं डीडीसी संजय कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मुंगेर महोत्सव को लेकर पोलो ग्राउंड में भव्य पंडाल बनाया गया। मौके पर डीएम नवीन कुमार ने कहा कि मुंगेर महोत्सव कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। इस 3 दिवसीय महोत्सव में देश के नामचीन कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने मुंगेर वासियों से कहा कि शांति और सद्भाव के साथ इस कार्यक्रम का आनंद लें। साथ ही उन्होंने कहा कि मुंगेर के बेहतर बनाने के लिए हम लोगों को एकजुट होकर कार्य करना होगा। मुंगेर के विकास के लिए सभी विभाग प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि मुंगेर के धरोहर को संरक्षित रखना हम लोगों की जिम्मेवारी है। बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि बच्चों को प्रत्येक दिन विद्यालय जाना है, पढ़ाई में कोई परेशानी हो तो हमें सूचित करें। उन्होंने कहा कि बच्चे समय पर स्कूल जाएं, इसकी जिम्मेदारी हम अभिभावकों को भी लेनी पड़ेगी। वहीं डीएम नवीन कुमार ने मुंगेर महोत्सव सह स्थापना दिवस के अवसर पर पोलो ग्राउंड में लगे कई विभागीय स्टॉल का भी उद्घाटन किया। मुंगेर महोत्सव का स्थापना दिवस के अवसर पर शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ नामचीन कलाकारों ने भी अपनी गायकी से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आज के कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु गायक अल्ताफ रजा रहे। उन्होंने अपने एक से बढ़कर एक गीत गाकर दर्शकों का मन मोह लिया। उन्होंने जब तुम तो ठहरे परदेसी, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, जा वफा जा हमें प्यार नहीं करना गाए तो उपस्थित दर्शकों ने झूमने पर मजबूर हो गए। रात तक कार्यक्रम का आनंद मुंगेर शहरवासियों ने उठाते रहे। इसके पूर्व गायक अल्ताफ रजा ने गुप्त न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। शहरवासियों आदाब, मैं आपका अपना अल्ताफ रजा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ दोबारा उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों की सेवा है या आप लोगों का प्यार है कि जो मुझे खींच लाया, और कोशिश करूंगा कि आज भी मैं आपका दिल जीत सकूं और अपना प्रोग्राम अच्छे से अच्छे पेश कर सकूं। जी, धन्यवाद।